खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा क्षेत्र के खनगांव और खेड़ी गांव के ग्रामीण आज़ादी के बाद से बांकुर नदी पर पुल नहीं होने पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। स्कूली बच्चों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गर्भवती महिला, बुजुर्ग और बीमार को ट्यूब पर खाट के सहारे ग्रामीणों को नदी पार करना पड़ता है। सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन नदी पर पुल और हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की अप्रोच सड़क की मांग को लेकर अब ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। प्रशासनिक उदासीनता के चलते शासन प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई का ग्रामीणों ने मूड बना लिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों के लामबंद होने के बाद मामला अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गया है। स्थानीय विधायक सचिन बिरला के सीएम की चर्चा से बाद हड़ताल के तीसरे दिन प्रशासन हरकत में आ गया है। बुधवार की रात विधायक सचिन बिरला सहित प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा दलबल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंची। इस दौरान विधायक बिरला और प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा के आश्वासन दिया कि नए कलेक्टर आ चुके हैं, अब जल्द ही एस्टीमेट बनाकर पुल और सड़क की समस्या दूर करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जैसे नए कलेक्टर सर ने भी बोला है और मैं भी यहाँ पे आई हूँ, अगर मैं शासन यहाँ पे आ गए तो हम सीरियस है इस मैटर को लेकर, और मैं जैसा आप लोग बता रहे हैं एस्टीमेट ज्यादा है, उसको पुनः हम इसको दोबारा एस्टिमेट बनवाकर इसकी रणनीति बनाकर शासन में भी बात करेंगे, और कल नए कलेक्टर सर आ रहे हैं उनसे मैं दोबारा पर्सनली भी बात करूंगी, तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, आप निकालेंगे इसे, आप जेन्युइन है और इसके बारे में हमें हमारे संज्ञान में भी है। हमारे जो अभी नए कलेक्टर सब आ रहे हैं, मैं भोपाल में थी, मैं भोपाल के रास्ते से ही आ रही, तो मैंने उनसे भी ये बात चर्चा में की है कि सर ये जो गांव है इसमें जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है, और उन्होंने भी बोला है जो कि आज आप चले जाएं तो भी लोग बैठे हैं और जनता ही सर्वोप्रिय है, तो हाँ मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको आश्वासन देने कि इस पर हमारा जो भी जैसे विधायक जी ने बताया कि इसके दो एस्टिमेट बने हुए हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उसका है एक कम का है, तो हम इसको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि सभी मांगे जायज है, क्योंकि यहाँ से अप्रोच रोड नहीं है, पुलिया नहीं है। आज अतिरिक्त प्रभार जो हमारी जिला पंचायत की सीओ मैडम को मिला है, वो कलेक्टर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थी, उन्होंने यही कहा है कि इस एस्टिमेट को कम करते हुए इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पूरे पूरे प्रयास करेंगे, और बहुत सारी हमारी माताओं बहनों से भी उन्होंने बात की। आप सब समझ सकते हो कि सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है, पहले एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद सेंक्शन के लिए भोपाल जाएगा, वहाँ से पैसा मंजूर होकर आएगा, उसके बाद निर्माण कार्य होंगे, उसमें कम से कम 10-15 दिन की अवधि लगती है। तो अभी हम सभी साथियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम 15 दिन में चालू हो जाए, 20 दिन में हो जाए, 30 दिन में हो जाए, लेकिन समय अवधि मैंने इसलिए मांगी कि मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ कि सरकार के काम में लेट लतीफी हो सकती है, और समय अवधि 2 माह 60 दिन की इसलिए मांग रहे हम लोग कि पूर्ण रूप से सबका मन बन चुका है कि इस काम को अंजाम देना है। और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने खुद इस पर संज्ञान लिया है, कल ही मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कलेक्टर को यहाँ पर भेजा, और परसों 2 दिन के अंदर आप देखोगे कि एस्टिमेट की तैयारी हो जाएगी, पुल की रोड की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे, और इन सभी जो हमारे साथी आज इतने परेशान हैं, दुखी हैं और हड़ताल पर बैठ रहे हैं, इन सबको वापस से 2-4-5 दिन में कलेक्टर को लाएंगे, आश्वस्त करेंगे, और 15-20 दिन 25 दिन के बाद में निर्माण कार्य हम लोग चालू कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।